असली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी में खुदरा पड़ गई है। भारतीय जनता पार्टी में कई मंत्री विधायक नाराज हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मैं नाम लेकर कह रहा हूं, जो 5 साल डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे दिनेश शर्मा, वो अखिलेश यादव जी के संपर्क में है और पार्टी छोड़ने को तैयार है। भारतीय जनता पार्टी के 50 MLA आज नाराज हैं कि उनको सम्मान नहीं मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कई वर्तमान मंत्री इस बात पर नाराज हैं कि एक आदमी जो चुनाव हार गया वो डिप्टी सीएम है, और एक डिप्टी सीएम अपना क्षेत्र में भाग गया, यहाँ से हमारे क्षेत्र से वो 5 साल मंत्री रहे, चुनाव लड़ने की उनकी हिम्मत नहीं थी, यहाँ जान करके हार जाएंगे, उन्होंने क्षेत्र छोड़ दिया और कैंट में लड़ने के लिए गए। तो एक जो डिप्टी सीएम है जो चुनाव हार गया, और एक डिप्टी सीएम वो है जो क्षेत्र में भाग गया। तो इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी में बहुत आक्रोश व्याप्त है। 10 बार का जो MLA है, कहिए आप नाम बताएं, प्रभाती शास्त्री, वो मंत्री नहीं है। 9 बार का जो MLA है सुरेश खन्ना, वो मंत्री है, और 2 बार का MLA डिप्टी सीएम है। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत तगड़ा विद्रोह है और बहुत बगावत होने वाली है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी दूसरे के घर में जो है अनावश्यक रूप से झूठ बोल करके ये प्रचार करने का काम कर रही है। अखिलेश के प्रति काफी नाराजगी है, क्योंकि उनका एक बयान आया था कि उनका साफ तौर पर कहना था कि मुसलमानों के कपड़ों से बदबू आती है। इस बयान के बाद से लगातार चर्चाएं तेज हो गई थी कि अखिलेश यादव मुस्लिम विरोधी हैं, और इसी को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोग उनसे नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। क्या लगता है, ये एकदम झूठा बयान है? अखिलेश यादव जी कभी ऐसी बात कही नहीं सकते हैं जिस समाजवादी पार्टी का पूरा वोट बैंक मुस्लिम मिल रहा हो, वो ऐसी बात नहीं कर सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा झूठा प्रचार फैलाया जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी को ये बात मालूम है कि सरकार अखिलेश जी की बन रही थी, पूरे प्रदेश में परिवर्तन और बदलाव की लहर थी, बेमानी करके भाजपा की सरकार बनी है। अखिलेश यादव जी लगातार संघर्ष करने का काम कर रहे हैं, और हमारी पार्टी के 36 विधायक मुस्लिम हैं, तो ऐसी बात तो स्वयं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो ऐसी बात कभी कह ही सकते नहीं है। ये झूठ बोलने की बात है। भारतीय जनता पार्टी का अपना जो दल है वो टूटने कगार पर आ गया है, और उनमें भाजपा कहती थी करता कि हम कैडर बेस्ड पार्टी है, ये कैडर बेस्ड पार्टी है कि 9 बार का MLA मंत्री है और 2 बार का MLA डिप्टी सीएम हो गया। ये कैडर बेस्ड पार्टी है कि 10 बार का MLA केवल विधायक है, मंत्री नहीं है। ये कैडर बेस्ड पार्टी है कि चुनाव हारने वाला और चुनाव भागने वाला आदमी डिप्टी सीएम है। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। हम लोग संघर्ष करने का काम करेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चुनाव खत्म हुए, लगातार महंगाई बढ़ रही है, तो जनता का मुख्य मुद्दों से ध्यान बांटने के लिए भारतीय जनता पार्टी ऐसी बातें करने का काम कर रही है। हम लोग समाजवादी पार्टी में हैं, कोई पद के लिए नहीं है, हम सिद्धांतों से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने जो हमको सिखाया है, जो उन्होंने बताया है, उस पर चलने का काम करते हैं, और हमारा कोई पद हो या समाजवादी पार्टी में नहीं हो, हम समाजवादी पार्टी में आखिरी सांस तक रहेंगे। हमारी यही इच्छा है कि हम समाजवादी पार्टी का झंडा हमारे ऊपर हो, उसके तिरंगा झंडा हो, क्योंकि हम लोग लोकतंत्र सेनानी हैं। अखिलेश यादव जी ने जो विधेयक पास किया था उसमें ये कह दिया कि लोकतंत्र सेनानियों के जब मृत्यु होगी तो उनके अंतिम समय के ऊपर ज्ञात सलामी होगी और उनके तिरंगा झंडा लगाया जाएगा। तो हम लोकतंत्र सेनानी हैं, मंत्री रहे, विधायक रहे, उससे अधिक बात यह है कि हम लोकतंत्र सेनानी हैं और अंतिम समय पर भी तिरंगा हमारे ऊपर रहेगा, लेकिन उसके नीचे सापा का झंडा रहेगा और लाल टोपी रहेगा। अभिलाष मेहरोत्रा जी हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि यह जनता के मुद्दों पर संघर्ष करते हुए करीब 250 बार जेल गए, वह इनकी ख्वाहिश भी है कि ये जब दुनिया से जाए तो इनके सौ पर तिरंगा झंडा हो, उसके नीचे समाजवादी पार्टी का झंडा हो।
लखनऊ से एनबीटी ऑनलाइन के लिए संदीप तिवारी।